हेलो गाइस, वेलकम होम, वेलकम बैक. सो राइट नाउ आई एम एट माय होम. एंड हमेशा ऐसा होता था कि आप लोग मुझे यूएसएमएल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे, यूएसएमएल रिलेटेड टू और विद रिस्पेक्ट टू केएमसी पूछते थे, और मैं आपके क्वेश्चंस का परफेक्टली जवाब नहीं दे पाती थी बिकॉज आई एम माई सेल्फ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएल. बट दिस टाइम एज ऑलरेडी सेड, यार तुम लोगों ने पोल पे इतना रिप्लाई किया ना, आई रियली फील इट कि तुम यूएसएमएल के बारे में जानना चाहते हो. तो उसके लिए अर्जुन खड़े है, ही इज माई बैचमेट, ही इज AIR 1430 इन नीट यूजी, एंड ही इज ऑन फुल स्कॉलरशिप राइट नाउ इन केएमसी, एंड ही एक्सेप्ट दैट आफ्टर एम्स दिल्ली में भी केएमसी मणिपाल इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यूएसएमएल प्रिपरेशन. उससे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की आप लोगों के लिए, और अब फाइनली आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू पीपल. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने उसे चार क्वेश्चन पूछे थे जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था कि कितना सिलेक्शन रेट है केएमसी से, कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं. उसके लिए इवन ही वॉज इन वेरी श्योर, बट आई एंश्योर यू लाइक हर साल कुछ 8 से 9 बच्चे तो सिलेक्ट होते ही हैं केएमसी से. बट आगे के मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड टू देम. उसमें था कि हाउ डज केएमसी हेल्प इन यूएसएमएल, है ना, यही क्वेश्चन है कि कैसे केएमसी बेटर कैसे है यूएसएमएल के लिए बाकी कॉलेजेस से. तो व्हाट ही सेड, अपार्ट फ्रॉम एम्स दिल्ली, केएमसी इज डेफिनेटली द बेस्ट चॉइस फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू डू एमएलई. अब उसका एडवांटेज है, उसने पॉइंट्स में मुझे बताया, जैसे कि पहला पीयर ग्रुप. अब पीयर ग्रुप क्या होता है कि जब आप किसी कॉलेज में हो, देखो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, अगर 10 लोग वो चीज कर रहे हैं तो मेरे ऊपर एक प्रेशर रहेगा, मुझे पता रहेगा कि हाँ वो इतना कर रहे हैं, मुझे उससे 2 कदम आगे चलना है. लेकिन जब आप पूरी दौड़ में अकेले होते हो ना, आपको पता ही नहीं आसपास वाले लोग क्या कर रहे हैं. तो वो पीयर ग्रुप 40 से 80 लोग पर बैच आपका सही असली मोटिवेशन होने वाला है, वो आपको केएमसी में मिलता है. ठीक है, पीयर ग्रुप 40 to 80 students पर बैच प्रिपेयर फॉर एमएलई, डेफिनेटली अराउंड मोस्ट इन इंडिया. इंडिया में सबसे किसी भी कॉलेज में इतना बड़ा नंबर तो आपको नहीं मिलेगा, 40 से 80 बच्चे, इतना तो मैंने भी देखा है. ठीक है, फिर ग्रेट एल्यूमिनाई बेस. एल्यूमिनाई बेस मतलब यहाँ से जो करके जा चुके हैं केएमसी से, अब इतने बच्चे प्रिपेयर करते तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर प्रिपेयर करके जा भी चुके हैं यूएस में, और अगर हमारे पास सपोर्ट होता है उस देश में जहां हम जाना चाहते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एज डेफिनेटली है. तो वही लिखा उसने, ग्रेट एल्यूमिनाई बेस इन द यूएस कैन प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस. फिर उसके बाद कॉलेज सपोर्ट, कॉलेज क्लेम्स देते. सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि आप जैसे स्पोर्ट्स में, स्कूल में क्या होता था, स्पोर्ट्स के लिए जाते थे लेकिन पीछे से अटेंडेंस कट जाती थी क्लास की, मैम सपोर्ट नहीं करती थी. जो ये सब्जेक्ट्स होते थे हमारे, एकेडमिक्स होता था, वो सपोर्ट नहीं करता था सब स्पोर्ट्स को. लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो मतलब यहाँ से आप सोच रहे हैं केएमसी में आके जाने का, तो केएमसी आपको 100% सपोर्ट करता है. आप किसी भी जैसे एक्सटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, किसी भी ऐसी चीज के लिए, क्लब्स के लिए जा रहे हैं क्योंकि आपको सीवी भी तो प्रिपेयर करनी है, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपकी एमएलई में हेल्प करे, तो कॉलेज आपको क्लेम्स देता है. आपको पीछे से कोई नहीं बुलाने वाला, कोई कुछ नहीं कहने वाला, कोई जज नहीं करने वाला, आपको छुट्टी दी जाती है कि जाके आप ये सब काम करें. ठीक है, एंड आर यूनिवर्सिटी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूएसएमएल बिकॉज दे यूज टू इट. इंटर्नशिप एक्सटेंशन आर इजियर टू गेट देन गवर्नमेंट कॉलेजेस. हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप की एक्सटेंशन मिल जाती है. जैसे सपोज करो आपका एग्जाम आ रहा है यूएसएमएल वाला, आपका कोई स्टेप 1 2 3 कोई भी स्टेप चल रहा है और आपकी इंटर्नशिप चल रही है, तो आपको छुट्टी दे दी जाती है, आपकी इंटर्नशिप को एक्सटेंड कर दिया जाता है कि आप अभी के लिए जाओ, प्रिपेयर करो, पेपर दो, वापिस आके बाद में इंटर्नशिप पूरी कर लेना. और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये चीज मिलना इज अ लिटिल टफ, बट हमारे यहाँ पर तो ऐसे खुला दिया जाता है यूएसएमएल वाले बच्चों को कि जाओ आराम से पेपर दो, बाद में आगे करना इंटर्नशिप. ओके, वीएसएलओ. वीएसएलओ इज विजिटिंग स्टूडेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज. इसमें क्या है कि एक रजिस्ट्री, एक पोर्टल है, ठीक है, एक पोर्टल है जहां पर आप एक्सटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करते हो. एक्सटर्नशिप्स यानी कि देखो ये नेसेसरी नहीं है बट इट्स द पार्ट ऑफ द जर्नी, ये आपकी हेल्प करेगा सिलेक्ट होने में यूएसएमएलई में. अब इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नशिप यानी कि आप यहाँ से जाते हो यूएस, आप उनके साथ सीखते हो, काम करते हो, और उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है ना. पढ़ाई एक्चुअली अगर आपको उसके लिए करनी है, क्लिनिक्स के लिए, तो आप वीएसएलओ इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप उनके पास जाके सीखते हो. आप मतलब उनके काम को यू अंडरस्टैंड कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए, वीएसएलओ उसको बोलते हैं. पहली बात, वेरी फ्यू कॉलेजेस इन इंडिया हैव रजिस्ट्रेशन विद वीएसएलओ, इवन एम्स दिल्ली डज नॉट हैव. ठीक
ठीक है, VSLO के साथ रजिस्ट्रेशन हमारे KMC की है, मतलब हमारे KMC में आप कर सकते हो आराम से रजिस्टर VSLO के लिए। KMC मणिपाल में है, JSS कॉलेज मैसूर में है, तो ऐसे कुछ कॉलेजेस में है VSLO के साथ। VSLO आई थिंक आप समझ गए, इट्स एक्सटर्नशिप्स, ठीक है, आप एक बार गूगल सर्च करके आराम से पढ़ सकते हो इसके बारे में। ऑल्सो दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन, जैसे आपको CV बनानी होती है, आपको अपनी CV अच्छी करनी होती है, दैट्स अ पार्ट, आप अपनी तरफ से चीजें ऐड कर रहे हो, वैसे ही VSLO की एक्सटर्नशिप्स हैं कि आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, आप पूरा ट्राई कर रहे हो कि हम सिलेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए VSLO इज अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अगर आप VSLO वाली एक्सटर्नशिप कर लेते हो ना, तो आप में मतलब एक वेट ऐड हो गया। उसके बाद रिसर्च, यहाँ पर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मैंने खुद बताया कि बहुत अच्छी है। इवन मैंने भी पैथो वाली मैम के साथ एक बार ये चीज स्टार्ट की थी। इसमें क्या होता है, आप प्रोफेसर्स के पास जाते हो और प्रोफेसर्स तो बहुत खुश होते हैं इस चीज से, दे आर लाइक वेरी पॉजिटिव एंड सपोर्टिंग अबाउट इट। आप उनके पास जाके बोलोगे कि हमें रिसर्च करना है, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे हाँ करेंगे, टॉपिक ढूंढना है, वो उसी टाइम आपको लेके बैठ जाएंगे, आपको टॉपिक देंगे, आपको सजेशंस देंगे आप क्या क्या कर सकते हो, और आपको बताएंगे कि कैसे स्केड्यूल के साथ आप ये सब कर सकते हो, कैसे इसको अरेंज करना है। फिर आपका आर्टिकल पब्लिश भी किया जाता है और यूनिवर्सिटी आपकी बहुत हेल्प करती है इस सब चीज में। अब देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। सो ही सेड रिसर्च फैंटास्टिक रिसर्च कल्चर इन KMC, मोस्ट प्रोफेसर्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग रिसर्च विद द UG स्टूडेंट्स, कॉलेज ऑल्सो सपोर्ट्स, हाँ कॉलेज की सपोर्ट बहुत है भाई, प्रोवाइड्स क्लेम्स फॉर कॉन्फ्रेंस, जब आप कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे, आप अपने रिसर्च रिलेटेड चीज के लिए कहीं भी जाएंगे, तो आपको क्लेम्स देते हैं, 5,000 रुपए देते हैं, इवन मोर, जितना आपका खर्चा होता है वो पूरा मतलब टू द मैक्स लेवल उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज माई फ्रेंड्स दे जस्ट वेंट आउटसाइड और उन जो 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 बिल वो रिप्रोड्यूस कर पाए थे, जो जो बिल वो दिखा पाए थे, उसके हिसाब से उनका जो खर्चा हुआ था कॉलेज ने उठाया था पूरा। ठीक है, फिर KMC STS, अब इसमें क्या है, KMC विल अबाउट इट लेटर, अभी हम करते हैं। हाँ हमारा खुद का एक फेस्ट है वेदम, वेदम पब्लिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब आपका जो पेपर है, आपने जो लिखा है रिसर्च पेपर बनाया है, उसको पब्लिकेशन, उसकी पब्लिकेशन के लिए वेदम है, ठीक है, ये क्लब है। फिर CV एंड क्लब्स, यू कैन मेक योर CV बेटर बाय ज्वाइनिंग वेरियस क्लब्स एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड शोइंग लीडरशिप पोटेंशियल इन बोथ। अब आप अलग अलग क्लब्स ज्वाइन करते हो, ठीक है, आप उसमें पोटेंशियल दिखाओ, आप उसके लिए काम करो, आपकी पोस्ट बढ़ती जाएगी, उसको आप अपनी CV में लिखो, दैट रियली वर्क्स, दैट काउंट्स। उसके बाद मोर एक्सपोजर, एम्बोस एंड अदर अमेरिकन एड्यूटेक प्रोडक्ट्स टिपिकली अप्रोच KMC फर्स्ट एंड माहिज एडमिनिस्ट्रेशन इज टिपिकली अवेयर ऑफ एनी चेंजेस इन द USMLE प्रोसेस। अब इंस्टीट्यूशन को पता होना चाहिए ना कि USMLE ने कुछ चेंज कर दिया, तो इंस्टीट्यूशन को बच्चों को बताना चाहिए, बच्चा कितना रिसर्च करेगा, तो KMC इज यूजली वेरी मतलब इट्स अवेयर अबाउट ऑल द चेंजेस विच आर गोइंग टू हैपन इन USMLE प्रोसेस। एंड द अदर थिंग इज एम्बोस एंड अमेरिकन एड्यूटेक प्रोडक्ट्स, मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं, ये सब KMC को अप्रोच करते हैं कि लो अपने बच्चों को दे दो अपने प्रोडक्ट्स, जो क्वेश्चनर्स हैं, MCQs हम बना रहे हैं, मतलब जो भी स्टडी रिलेटेड मटीरियल है वो कॉन्टेक्ट करता है KMC को खुद, और KMC अपने बच्चों को बताता है कि ये सब चेंजेस कर लो अपनी पढ़ाई के तरीके में ताकि तुम सिलेक्ट हो जाओ। सो बेस्ड ऑन वॉट सीनियर्स गाइड्स हैव इन्फॉर्म्ड what he had, okay he in the third question I asked him like what all to use, what all to do so that you can like match the USMLE. He uses first aid as a placeholder for the information from various sources. So first aid किताब है जो आपको अमेजोन से भी मिल जाती है, प्रेफरेबली इफ यू आर वेरी श्योर दैट यू वांट टू डू USMLE, इफ यू वांट टू परस्यू योर फ्यूचर इन US, देन यू शुड बाय दैट बुक, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन एज वेल, आई जस्ट चेक्ड इट अ फ्यू डेज बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दीज नोट्स, सो यू कैन गो एंड चेक इट देयर, एंड इट्स अ प्लेस होल्डर, इट मीन्स दैट फ्रॉम लाइक यू लर्न फ्रॉम वेरियस सोर्सेस बट देर मस्ट बी वन बुक विच कंटेन्स द इम्पॉर्टेंट part of every source and that's first aid. ठीक है, you should use first aid, then BNB videos and Enki cards, BNB's boards and beyonds, इनकी videos होती हैं, video lectures होते हैं, you should use that, typically first year and extra subjects, it's mainly based on the first year subjects, then there's Pathoma videos and Enki cards for pathology, fine, Pathoma videos याद रखना, फिर sketchy microbiology and pharmacology is both स्केची माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी बोथ वीडियोज एंड एंकी कार्ड्स ही यूजेस दीज सोर्सेज फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आई हैव स्पोकन देन यू वर्ल्ड क्वेश्चन बैंक है
तो अभी तक पांच चीजें हो चुकी हैं, बीएनबी मतलब बोर्ड्स एंड बियॉन्ड वीडियोस एंड एंकी कार्ड्स, पेथुमा वीडियोस एंड एंकी कार्ड्स फॉर पैथोलॉजी, और जो मैंने पहले नंबर पे बताया बीएनबी वीडियोस एंड एंकी कार्ड्स टिपिकली फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स हैं वो, ठीक है, फिर पेथुमा वीडियोस एंड एंकी कार्ड्स पैथोलॉजी, फिर उसके और वो 40% ऑफ द पेपर है उसने लिख के भेजा है पेथुमा, पेथुमा वीडियोस एंड एंकी कार्ड्स जो है दैट मेक्स 40% ऑफ द पेपर। तीसरे नंबर पे मैंने स्केची माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी बोला, मतलब कि माइक्रोबायो और फार्मा आपके सेकंड ईयर के दो सब्जेक्ट्स से कंप्लीट होंगे। फिर यू वर्ल्ड क्वेश्चन बैंक है जो आपने क्वेश्चन बैंक यूज करना है, एम्बोस आर्टिकल लाइब्रेरी एंड क्वेश्चन बैंक मस्ट रिकमेंड एम्बोस एड ऑन फॉर एंकी, ठीक है, उसने मस्ट रिकमेंड लिखा है एम्बोस आर्टिकल लाइब्रेरी एंड क्वेश्चन बैंक, तो मतलब इसको भी एक्सेस कर लेना, इसका कुछ शायद सब्सक्रिप्शन होता होगा एंकी के साथ, इसका एड ऑन हो जाएगा। नोट, फर्स्ट एड कैपलान उसने रिकमेंड नहीं किया, फर्स्ट एड इज द मेन सोर्स एज एनबीएमई मूव्स अवे फ्रॉम स्केची एंड पेथुमा, तो फर्स्ट एड इज द मेन सोर्स, ठीक है, कैपलान ही इज नॉट रिकमेंडेड, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड। फोर्थ चीज जो है, जो फोर्थ मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था, वो अपनी तरफ से आप लोग को क्या सजेशन देना चाहेगा, तो उसने जो सजेशंस दिए हैं अपनी तरफ से, पहला है क्लिनिकल एक्सपोजर, नॉट द क्लिनिकल पोस्टिंग, जो हॉस्पिटल में क्लिनिकल पोस्टिंग्स होते हैं उसकी बात वो नहीं कर रहा है, वो क्लिनिकल एक्सपोजर की बात कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नशिप्स की बात, इलेक्टिव्स की बात कर रहा है, और ये वो चीजें हैं जो वीएसएलओ से आप यूएस जाते हैं, वो वाली चीज। दिस मस्ट टिपिकली बी डन बिफोर योर इंटर्नशिप इज ओवर, ठीक है, दे लास्ट फॉर 1 to 2 months टिपिकली, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप आती है, वहां तक का वेट मत करो, उससे पहले ही वो एक्सटर्नशिप यू शुड कंप्लीट। फिर रिसर्च वो रिकमेंड कर रहे हैं आपको रिसर्च, दूसरी चीज पब्लिकेशंस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड इट इज इवन मोर हेल्पफुल टू पब्लिश विद द इंटरनेशनल ऑथर्स, ठीक है, द रेजिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर टिपिकली अवेयर दैट इंडियन रिसर्च इज नॉट ऑफ द हाइएस्ट क्वालिटी बट शोइंग अ कीन इंटरेस्ट इन इट, इट्स ग्रेट फॉर योर एप्लीकेशन। सो रिसर्च करना है आपको इंटरनेशनल ऑथर्स के साथ करना इज लाइक सजेस्टिव, बट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ के टीचर्स के साथ कर सकते हैं, एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग, और जितना भी आप कर पाओ करो। क्लिनिकल एक्सपोजर वही मैंने जो बताया था कि एक्सटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं, यानी कि यूएस जाके उनके साथ क्लिनिकल पोस्टिंग्स करने की, क्लिनिकल एक्सपोजर लेने की बात कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो इन द एंड ही हैज रिटन अ बिग मैसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू यू पीपल वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट वेदम 2024 विच इज अ क्लब, it takes place between September 15 to 18, okay, this year Vedam has IQMU, Asterion Academic Clubs hain, and SRF's conference all are taking place together, and we will be ensuring publication for all MAHE applicants, aisa nahi hota hai ki aap kaisa bhi apna paper bana lein, research paper bana lein, to wo publish ho jayega, ठीक है, उसमें कुछ दम होना चाहिए, बट दे आर इंश्योरिंग कि माहे के बच्चों का हर पेपर पब्लिश होगा, तो रिसर्च करना आते ही लग जाना। फर्दरमोर द कॉन्फ्रेंस विल बी फुली इंटरनेशनल विद ओवर 1 lakh इन प्राइजेस अक्रॉस कॉम्पिटिशंस, ठीक है, ऑल्सो या आई थिंक दैट्स इट, यही था जो उसने अपने मैसेज में लिख के भेजा था, एंड आई डोंट थिंक देयर कुड बी एनी अदर सोर्स, एनी अदर बेटर सोर्स जहां से ये इन्फॉर्मेशन आ सकती, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आई एम लैकिंग समवेयर और द अदर टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट यूएसएमएलई, बिकॉज आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट इट, वॉट अ स्टूडेंट शुड नो हु इज प्रिपेयरिंग, लाइक वॉट स्टूडेंट वुड नो इफ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, सो आई टुक द बेस्ट सोर्स and I reached you people again to tell you all about this, and I swear there can't be another better person who can give this much information and like this much details of the information which you people need. I hope it helps you. Milte hain agli video mein. Bye bye.